केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। 10,000 से अधिक वोट से जीते मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा है कि उन्हें जो दायित्व मिला है उसका वह पूरी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। जहां तक सवाल इस बात का है कि अब वह मेरठ की जनता से कहां मिलेंगे, तो इसका जवाब यही है कि वह मेरठ के हैं, मेरठ के थे और मेरठ के ही रहेंगे। मेरठ की प्रगति के लिए जो भी नया होगा वह किया जाएगा। देखिए क्या कहा सांसद अरुण गोविल ने। आप मेरठ के सांसद बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का जिन्होंने मेरे मुझे योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूँगा। अब आप मेरठ में रहेंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे आपको जनता मिल पाएगी? क्या करनी चाहिए? प्राथमिकता सांसद होने की, प्राथमिकता की बात आज मत कीजिए। अभी प्राथमिकता बनेंगे धीरे धीरे, जब एक चीज को हम समझ जाते हैं तब। अगर किस तरह उतरना नहीं होता भैया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। वो मेरी कोशिश, आपको लेकर बातें करते थे कि कहां जाकर ढूंढेंगे, मुंबई में करने दीजिए। मैं मेरठ का था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूंगा। ये बताइए कि जनता आपके पास। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप जीत गए हैं तो जनता अपनी समस्या लेकर आपके पास कहां पर आए मिलने के लिए? आज ही पता बताऊं आपको? नहीं तो आज से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यहां का रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए हर चीज़ के लिए। आप एक सेकंड में अगर हर चीज़ जानना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल। मेरा सवाल ये था कि मेरठ में ही मिल सकता है? मेरठ में ही मिलूंगा, नेचुरली मेरठ में मिलूंगा ना, तो मेरठ का हूँ तो कह रहा हूँ आपसे। मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए हर व्यक्ति अपनी सक्षमता से, अपनी योग्यता से काम करता है, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अरुण जी? भैया बता दे, आप सारी चीजें आज ही पूछ लोगे क्या? जी जी बताओ, कुछ तो मन में होगा, कुछ तो होगा आपके मन में। जो पहली प्राथमिकता जो आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले आती चली जाएंगी। बहुत पुरानी बात हो गई भाई, बहुत पुरानी बात हो गई। यार एक सवाल का जवाब करोगे तो नई बातें कैसे करेंगे? मेरठ की प्रगति के लिए जो भी नया हो सकता है वो किया जाएगा। इस मौके पर शहर के प्रमुख उद्योगपति व शिक्षाविद राजेश दीवान ने यह कहा। भारतीय जनता पार्टी एक बार नमस्कार। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मेरठ हापुड़ लोकसभा में जो है ये लगातार चौथी बार की जीत है, और 2019 में जिस अंधकार से जीती थी आज उसके डबल मार्जिन में जीती है। ये जीत बहुत ही संघर्षपूर्ण सीट वाली सीट है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो काम, जो विकास से काम और जनता का काम किया है, उससे जनता ने जो है बहुत ही कार्यकर्ताओं ने मेहनत करते हुए और बड़ा प्रशंसित होते हुए इस कैंडिडेट को जिताया है। अरुण गोविल जी जो है एक बड़े क्षेत्र पे जो है उन्होंने रामचंद्र किरदार किया और जो लोगों के मनों में छा गए, और ये उन्हीं के उसी का प्रमाण है कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद मेरठ लोकसभा हापुड़ सीट से जीते हैं, और वो भी जो किसी बार जो मार्जिन थी 5,000 वोटें जीते थे, आज उससे 3 गुना ज्यादा ममता काल से ये जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ, और सबसे बड़ी बधाई जो है ये बहुत ही संघर्ष वाली सीट होते हुए भी और लगातार चौथी सीट में जीत रद्द करने के लिए तो यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पूरी पूरी बधाई। ये सब उनके से उन्हीं पर जाता है, पार्टी में जाता है, और मोदी जी ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंडा के साथ, जिस अपने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा और जो सबका साथ सबका विकास के एजेंडा पर लगाया साथ लेकर चले, उसी के परिमाण है। कोई एंटी कन्वेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, चौथी बार हम जीत हासिल कर रहे हैं और भारत के साथ निशान कर रहे हैं। अब सभी को शुभकामनाएं, राम अरुण गोविल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मोदी जी के नेतृत्व में अब जो आ गए हमारे लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और हर्ष की बात है कि मेरठ में
मेरठ का सहयोग जो है, मेरठ लोकसभा के हमारे प्रत्याशी मोदी जी की सीट के साथ बैठेगा और एनडीए के साथ मिलके हम फिर दोबारा देश की सेवा में लगेंगे। उसके लिए जय हिंद जय भारत। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने यह कहा, लगातार आप चुनावी अभियान के अंदर मौजूद रहे, लगातार कन्वेंशन में रहे, किस तरीके से चुनाव को लड़ाया गया और आज जो नतीजे आए? सबसे पहले तो मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक जनादेश दिया है, अपना समर्थन दिया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता, तो जनता के आशीर्वाद से ही बनता है। और जिस तरीके से भरपूर समर्थन मिला है तो उनका स्वागत भी करना होगा और अभिनंदन भी करना होगा। और जिस तरीके से मेरठ की जनता ने हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी अरुण गोविल जी को जिताने का काम किया और चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी को सांसद बनाने का काम किया, ये एक हमारे संगठन की मुहिम है। संगठन जो होकर संगठित होकर लड़ाता है उसकी मुहिम है, हमारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारा संगठन संगठित होकर साहस तरीके से, परिश्रम तरीके से, कर्मठता से लड़ा तो वो हमारी जीत सुनिश्चित है और हम जीते। मेहनत जीत के अंतर को कम और बड़े से नहीं देख सकते और मेहनत से नहीं देख सकते, वो कुछ मुद्दे जातीय समीकरण भी होता है और जो जाति का चुनाव का वोट बटा हुआ है उस जाति का जो जिस जाति को मिलता है, जिस पार्टी को मिलता है वो उसको गया, जो हमारा वोट है हमारे पास आया, तो उनका समीकरण कहीं ना कहीं उनका समीकरण बना तो वो थोड़ा बहुत अंतर कम रहा, लेकिन हम जीते तो बहुत अच्छी बात है, हमारा वोटर हमारे साथ रहा तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से जीते ज्यादा जीते, चुनाव है, चुनाव में जो जिस जाति का वोट जिसके पास जाता पार्टी के पास उसके पास गया, जो हमारा वोट था हमारे पास। निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने यह कहा, सांसद जी आज वर्तमान सांसद हैं और बीजेपी ने क्रैक एक्सपेरिमेंट किया था, भारी प्रत्याशी को उतारा चुनाव मैदान में, उतारा आज वो जीत गए हैं, मतलब जीत को किस तरीके से ले रहे, क्या कहना है? नहीं देखिए, जीत तो जीत होती है और बेशक हमें थोड़ा सा बड़ी जीत की अपेक्षा थी, लेकिन तो भी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और चौथी बार लगातार पार्टी का सांसद जीतना एक बड़ी बात है। जनता का जो हमारे अंदर हमारी पार्टी में मोदी जी में जो विश्वास है उसको प्रकट करता है, तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, जनता का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमको ये आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और हम पूरे संकल्प के साथ अपने क्षेत्र की सब जनता की सेवा करेंगे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एनडीए की सरकार बनने जा रही है मोदी के नेतृत्व में, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-1 घंटे के अंदर जब परिणाम पूरे आएंगे तो हम 300 पार करके एक अच्छी मजबूत सरकार जो है केंद्र को देंगे, तो माननीय मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और अरुण गोविल जी के नेतृत्व में मेरठ आगे बढ़ेगा। आप क्योंकि पुराने सांसद हैं, आपके पास अनुभव भी पूरा, आपने काम भी बहुत किया, जो चुने गए हैं उन सांसद को आपके अनुभव का कैसे फायदा होने जा रहा है और आप उनका किस तरीके से सहयोग करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग टीम हैं, उसमें मैं भी हूँ, हमारे विधायक भी हैं, हमारे नवनिर्वाचित सांसद भी हैं, हम लोग मिलकर के काम करेंगे, हमको मुद्दों की पहचान है, हमको जनता के बीच में जाने का अभ्यास है। उन्होंने भी चुनाव अभियान के अंदर बराबर कहा कि मैं भले ही राजनीति के लिए नया हूँ पर मैं सेवा भाव से आया हूँ और निरंतर सेवा के संकल्प को लेकर के क्षेत्र में रहूंगा, तो एक टीम के नेतृत्व के रूप में अरुण गोविल जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और मेरठ नई ऊंचाइयों को विकास की छुएगा। निश्चित रूप से मिलेगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मीडिया से वार्ता करते हुए यह कहा, देखिए मैं सभी मेरठ के देवतुल्य नागरिकों का, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय अरुण गोविल जी को आशीर्वाद मिला है और हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मेरठ का मिल रहा है और अच्छे से मेरठ की सेवा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ सोशल इक्वेशंस जिस तरह की मेरठ की हैं, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी तरह से उन्होंने मेहनत की है और मैं कह सकता हूँ कि जीत दर्ज हुई है और इस जीत को भविष्य में और बड़ी बनाने के लिए हम लोग और काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।